मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। अध्ययन के इस अनवरत प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए आज हम नई कविता के शलाका पुरुष कवि अज्ञेय को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बावरा अहेरी कविता का परिचय एवं सारांश पर चर्चा करेंगे। अज्ञेय की रचनाओं में आधुनिक युग के बोध के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना के प्रति प्रबल आग्रह मिलता है। इनकी समस्त कविताएं वैसे तो व्यक्तिवादी हैं, किंतु उसमें व्यक्ति की जिजीविषा तथा स्वदेशानुराग का भाव भी व्यापक रूप से देखने को मिलता है। अज्ञेय ने अपनी कुछ कविताओं में प्रणय की अनुभूति और व्यक्ति निष्ठा को अभिव्यंजित किया है। नई कविता में वस्तु सत्य तथा तथ्यों के प्रति सजगता भी विशेष रूप से मिलती है। बावरा अहेरी अर्थात पागल शिकारी, यहाँ प्रातःकाल ही बावरा अहेरी है। कवि अज्ञेय इस प्रयोगवादी कविता में प्रकृति के आकर्षण के प्रति मोहित हो उठे हैं। प्रातःकाल की शोभा सुंदरता ने अज्ञेय को मोहित कर डाला है। प्रभाव वेला, प्रभात वेला, सवेरा अथवा उषा वेला ने वैदिक काल से लेकर अब तक अगणित कवियों को आकर्षित किया है। प्रयोगवाद के पुरोधा कवि अज्ञेय परंपरागत प्रतीकों का प्रयोग न करके एकदम अनछुए और तट के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। प्रभात को अहेरी बताना और वह भी बावरा कहना केशव की रामचंद्रिका के उस छंद का स्मरण कराती है जिसमें केशव ने राम लक्ष्मण के समान उनके गुरुकुल और कुल देवता सूर्य को लाल मुंह वाला बंदर बताया है। प्रभात पागल शिकारी के समान है। चिड़ियों को पकड़ने के लिए बहेलिया अथवा शिकारी जिस भांति जाल बिछाता है, उसी प्रकार सूर्य की लाल लाल किरणें सभी ओर बिछी हुई है। बिछे हुए जाल में जब पक्षी फंस जाते हैं तो शिकारी अपना जाल खींच लेता है। प्रभात सवेरा सूर्य काल सूर्योदय होते ही सूर्य की लाल लाल किरणों को सहसा समेट लेता है, अर्थात सूर्य की लाल किरणें सहसा सिमट जाती है अर्थात समाप्त हो जाती है। बावरा अहेरी पागल और मूर्ख शिकारी जिस भांति जिस प्रकार से यह चिंता नहीं करता कि मेरे जाल में फंसने वाले पक्षी छोटे मंझले अथवा उजड़े हुए जहाज के समान विशाल है, उसी भांति प्रभात भी छोटी बड़ी सभी वस्तुओं और जीव जंतुओं को अपनी सीमा में समेटता रहता है। उड़ने वाले विशाल और बेडोल पक्षी, विशाल और बेडोल पक्षी ही नहीं प्रभात रूपी शिकारी से मंदिर के कलश भी नहीं बचते। जिन पर कलश अथवा त्रिशूल बना हुआ है या टिका हुआ है, शिकारी अपने जाल में केवल निर्बल दुर्बल और छोटी छोटी चिड़ियों को ही फंसाता है। ऐसा बुद्धिमान शिकारी करता है क्योंकि वह अपनी और अपने जाल की क्षमता को जानता है। प्रभात सवेरा प्रातःकाल बिना पक्षियों का आकार देखे और बिना उनकी शक्ति का अनुमान लगाए सबको समेट लेता है, यही उसकी मूर्खता है। सजीव छोटे बड़े पक्षियों के अतिरिक्त मंदिर त्रिशूलों तार घर के भवनों को गोधूली की धूल को मोटरों के धुओं को फूली हुई कनेर को और धुआं उगलती हुई चिमनियों को भी
अपनी किरण जाल में फंसाए बिना बावरा अहेरी नहीं मानता है। प्रातःकाल अथवा भोर शिकारी का ही नहीं, शोषक, जमींदार, सामंत और सूदखोर महाजन का भी प्रतीक है, जिनके जाल में जहाज के समान उड़ते हुए पक्षियों के समान शक्तिशाली लोग भी फंस जाते हैं। मिल का धुआं उगलने वाली और कचरे को जलाने वाली चिमनी जिस प्रकार धुआं उगलकर प्रभात को, सवेरे को, उषा काल को जीतने अथवा प्रभात के किरण जाल से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार कुछ बदसूरत मजदूर अथवा सर्वहारा वर्ग सामंतवादी शिकंजे से निकलना चाहता है, परंतु उसका प्रयास सफल नहीं होता। कोई कितना भी क्रोध, भद्दा और दूसरों को समाप्त कर देने वाला हो, परंतु सामंतवादी शोषण से मुक्ति नहीं पा सकता। सामंतवादी शिकंजा अथवा शोषण का जाल इतना सशक्त है कि वह दिखाई ही नहीं देता, पर फिर भी सबको अपने में जकड़े हुए रहता है। प्रातःकाल रूपी शिकारी सबको मार सकता है, उससे कोई नहीं बच सकता, परंतु वह लोगों के मन में समाये हुए अंधकार को नहीं मिटा सकता। प्रभात सर्वत्र किरणें बिखेर सकता है, पर किसी के मन को प्रकाशित नहीं कर सकता। सामंतवादी शोषण भी शरीर को ही प्रभावित करता है। लोगों के मन में समाई हुई हिंसा और द्वेष की भावना को नहीं मिटा सकता। कवि अपने मन में कालिमा अर्थात द्वेष भावना, ईर्ष्या की भावना को छिपाए न रखकर आंखों में आंच कर सबको बता देना चाहता है, प्रभात का अहेरी और सामंतवादी शोषक सर्वहारा वर्ग की आंखों की इस द्वेष भावना को नहीं मिटा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।